नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूपल की रसोई में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेनी सीजन स्पेशल हर्ब सूप लाई हूँ। जिस सूप को पीने से आपको जो मौसमी बीमारी लगती हैं, खांसी जुकाम, उससे आप बचे रहेंगे। और बहुत ही हेल्दी सूप है और इस सूप को तैयार करना बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए हमने लिया है स्प्राउट मूंग, जो कि आधा कप है, और आधा ही कप लिया है हमने स्वीट कॉर्न, जिसे हमने उबाल के रखा है। 8 से 10 हमने ली हैं तुलसी की पत्तियाँ। तो इस सूप को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उस बाउल में मेज़रमेंट कप से हमने डाला है 1 कप भरकर दूध। और 3 कप हम इसमें लेंगे पानी। तो सेम कप से हम नापेंगे। तीन कप हमने पानी मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच भर कर कॉर्नफ्लोर। तो 3 TBSP हमने कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स करना है। और इस कॉर्नफ्लोर दूध और पानी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और जब हम सूप को तैयार करें तो बहुत ही जल्दी हमारा सूप भी तैयार हो जाता है इस तरीके से, अगर हम मिक्स करके पहले ही रख देंगे तो। तो ये देखिए, अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर दिया है। लगभग 1 मिनट तक हमने इसे लगातार हिलाया है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब इसे हम एक बार साइड में रख देते हैं। सूप तैयार करने के लिए हमने एक पैन लिया है और उस पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच घी, जैसे ही घी हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच भर कर जीरा और जीरे को अच्छी तरह चटकने देंगे। जीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर कर लहसुन, जिसे हमने बारीक काट के रखा है। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए एकदम बारीक बारीक हमने इसे काट के रखा है। साथ ही 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने बारीक काट के रखा है। तो इसे भी हल्का सा हम भूनेंगे, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। और एक मीडियम साइज का हमने लिया है प्याज, तो उसे भी इसमें छोड़ देते हैं। लहसुन, प्याज और अदरक को हमें हल्का सा भूनना है 1 से 2 मिनट तक, हमें इसे ज़्यादा नहीं गलाना है। और सूप में इसका क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट तक हमने इसे भूना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सेंधा नमक, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। 1/4 TBSP हमने ली है काली मिर्च, तो इसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न, जिसे हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखा है, और मूंग, उसे भी हम इसमें छोड़ देते हैं। तो 1 से 2 मिनट तक हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे अपने तुलसी के पत्ते, तो उसे हमने तोड़कर डालना है।
तो इस तरह से तोड़कर हम इसे छोड़ देंगे इसमें। एक से दो मिनट तक हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना घोल जो हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा है, दूध, पानी और कॉर्नफ्लोर का। तो इसे भी इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब हमारे बाउल में आधा कप पानी और हम डालेंगे, जो बचा थोड़ा बहुत कॉर्नफ्लोर है हमारा नीचे चिपक चुका है वो भी हम उसमें से निकाल लेंगे। तो आधा कप पानी हमने इस बाउल में और डाला है और इसे भी सूप में छोड़ देते हैं। और इसे लगातार हिलाते हुए नीचे से हम पकाएंगे जिससे नीचे चिपके ना। और एक बॉईल आने का हम इसमें इंतज़ार करेंगे। एक अच्छा सा बॉईल आने के बाद हमारा सूप ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। तो आप इसे तले से हिलाते हुए पकाइए। तो दोस्तों बहुत ही हेल्दी सूप है ये, आप इसे ज़रूर तैयार करिए। तो आप देखेंगे 5 से 7 मिनट में ये सूप तैयार हो जाता है। ये देखिए इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है और हमारा सूप तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे किसी बाउल में हम निकाल लेंगे। तो हमने इसे बाउल में निकाल लिया है और इसे हमने तैयार करा है नेचुरल हर्ब तुलसी से। तो कुछ तुलसी की पत्तियां हम इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों इस सूप को आप ज़रूर ट्राई करिए, अपने रिश्तेदारों के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। और आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।